corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. आज मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक वानगी दिखाना चाहता हूं, जिसकी वजह से शिक्षा का अधिकार लागू हो जाने के बावजूद भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे समुचित शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। मैं आपको लिए चलता हूं झारखंड राज्य के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर प्रखंड के एक सरकारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरामो की ओर। इस विद्यालय में कुल 176 छात्र एवं छात्राएं जिन्हें पढ़ाने के लिए एक सरकारी व 6 पारा शिक्षक बहाल है, पर ग्रामीणों का कहना है यह विद्यालय प्राय मनमाने ढंग से खुलता हुआ बंद होता है एवं पठन पाठन पढ़ाई ठप रहती है, जिसकी वजह से अब तो छात्रों ने स्कूल आने व अभिभावकों ने स्कूल भेजने में रुचि लेना ही बंद कर दिया। इन तथ्यों की विशेष जानकारी के लिए आपको मिलाते हैं यहाँ के अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं से। हमारे विद्यालय में जितने भी टीचर लोग हैं सारा मनमानी ढंग से स्कूल खोलते हैं और बंद करते हैं, जिसके कारण यहाँ के बच्चे जो हैं सो सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। अभी फिलहाल 20-25 दिन के लिए स्कूल बंद रहा, जिसमें कि बच्चे यहाँ पर स्कूल आते थे, यहाँ से लौट के वापस चले जाते हैं। स्कूल बैठा रखे, अब पढ़ाना है, घर के चलाओ। सर, हमको सुनने को मिला है कि इस विद्यालय के शिक्षक विद्यालय को मन मुताबिक खोलते और बंद करते, आपका इसमें क्या राय है सर? मैं इस विद्यालय में गत 4 महीनों से मैं अपने मूल विद्यालय जगदीशपुर में था। इस बीच अगर कोई किसी दिन स्कूल बंद हुआ हो तो इसकी जानकारी मुझे नहीं। और एक चीज़ देखने को मिला कि इस विद्यालय में कुल पारा शिक्षकों की नियुक्ति 6 है, पर आज 3 ही उपस्थित क्यों हैं सर? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन 2 शिक्षक जो हमारे हैं वो गणेश हेम्ब्रम और यदुवीर टुडू, वो उनकी शादी है, आकस्मिक अवकाश में है। हाँ, और तीन प्रेजेंट हैं अभी। हाँ, और एक अभी हमको तो सूचना अभी नहीं मिली है, हो सकता है कि हमको सूचना मिल जाए। यदि गांव के शिक्षा समिति जागृत हो जाए, गांव के सजग लोग दिलचस्पी लेने लगे और विद्यालय के हर अनियमितता के विरुद्ध आवाज बुलंद होने लगे तो इस स्थिति से उबरा जा सकता है। मैं मुकेश सजग, झारखंड के देवघर जिला का इंडियाना हट से।